दोस्तों, हम जब भी कभी कैमरा लेंसेज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये लेंस जूम कितना करता है, या फिर ये कैमरा जूम कितना करता है, या फिर वो मोबाइल कैमरा रहने दो या फिर अपना DSLR रहने दो, सब हमेशा एक ही बारे में पूछते हैं कि ये जूम कितना करता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जूम लेंसेज के अलग अलग टाइप्स क्या रहते हैं। जूम लेंसेज तो रहते हैं लेकिन उसके अलग अलग टाइप्स क्या रहते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग आज वो बात करें। और इस वीडियो के एंड में आपको टिप दूंगा कि जो आपको शायद से हेल्प करेगा लेंसेज परचेस करते टाइम, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, फोटो वाला के एक नए वीडियो में आपको सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि लेंसेज के अलग अलग टाइप्स रहते हैं, एक वाइड एंगल, टेलीफोटो लेंस, जूम लेंस, प्राइम लेंस, मैक्रो लेंस। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है एक लेंसेज के टाइप के ऊपर, जो मैं आई बटन में दे दूंगा, वो आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जूम लेंसेज के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 50mm का जो लेंस रहता है उसे प्राइम लेंस कहते हैं या फिर नॉर्मल लेंस कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि जितना एक इंसान अपनी एक आँख से देख सकता है, मतलब अपनी एक आँख से जितना एरिया कवर कर पाता है, उतना ही एक 50mm की लेंस जब हम फुल फ्रेम बॉडी पे लगाते हैं तो उतना कवर करती है। तो इसीलिए उसे एक नॉर्मल लेंस कहा जाता है। एक नॉर्मल इंसान की एक आँख की तरह वो देख पाती है, उसी की वजह से उसको नॉर्मल लेंस कहा जाता है। 50 के जो नीचे रहेगा mm, 0 से लेके 49mm तक जो भी रेंज रहेगी लेंस की, उसे हम लोग कहेंगे वाइड एंगल लेंस। और 51 से लेके आगे 800, 1200 जितने भी mm तक रहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे टेलीफोटो लेंस। तो आइए बात करते हैं ये जूम लेंसेज के अलग अलग टाइप क्या रहे। तो बेसिकली जूम लेंसेज के अलग अलग चार टाइप रहते हैं। तो सबसे पहला आता है वाइड टू वाइड जूम, दूसरा आता है वाइड टू मीडियम टेली जूम, तीसरा आता है वाइड टू टेली जूम, और चौथा आता है टेली टू टेली जूम। तो सबसे पहले वाइड टू वाइड जूम क्या रहता है, यानी कि वो लेंस की रेंज वाइड से चालू होती है और वाइड में ही खत्म होती है, यानी कि वो लेंस की जूमिंग रेंज 50mm के नीचे ही चालू होगी और उसके पहले ही खत्म होगी। उसमें कौन से लेंसेस आते हैं, 1635mm लेंस, 1740 की लेंस, 1018 की लेंस। ये लेंसेज जो 50 के नीचे ही चालू हो रही है और 50 के पहले ही खत्म हो रही है, इसे हम लोग कहेंगे वाइड टू वाइड जूम लेंस। फिर हम लोग बात करते हैं वाइड टू मीडियम टेलीफोटो लेंस। तो मीडियम टेलीफोटो लेंस क्या रहता है, जनरली 50mm से लेके 75mm तक ये जो गैप है, इसे हम लोग कहते हैं मीडियम टेलीफोटो लेंस, और 75 के आगे जो रहेगा उसे हम लोग कहेंगे टेलीफोटो लेंस। तो वाइड टू मीडियम टेली में कौन सी लेंस आती है, सबसे पॉपुलर हमारी किट लेंस आती है 18-55, यानी कि 18 वाइड है और 55 50 के थोड़ा सा आगे, यानी कि मीडियम टेली फोटो, तो उसे हम लोग कहेंगे वाइड टू मीडियम टेली फोटो लेंस। फिर आता है अपना 24-70 का लेंस, चालू होता है 24 यानी कि वाइड पे और ख़त्म होता है 70 पे, यानी कि वो मीडियम टेलीफोटो हो गया, तो वो भी एक वाइड टू मीडियम टेलीफोटो लेंस है। फिर उसके बाद है अपने पास 28-75mm का लेंस, वाइड से चालू होता है मीडियम टेलीफोटो पे ख़त्म होता है। तो इस कैटेगरी के लेंसेज जो कि वाइड में चालू होते हैं और ख़त्म होते हैं 50 से लेके 75mm तक, उसे हम लोग कहेंगे वाइड टू मीडियम टेलीफोटो लेंस। फिर हमारी तीसरी कैटेगरी आती है वाइड टू टेलीफोटो लेंस, यानी कि इस रेंज में लेंसेज की जूमिंग चालू होती है 50 के नीचे और ख़त्म होती है 70 के आगे, 18-125। फुल फ्रेम कैमरा में जो किट लेंस आता है 24-105, 24 एक वाइड है, 105 टेली है, तो वाइड टू टेली लेंस। 18-400 ये जो लेंस है ये वाइड से लेके टेलीफोटो तक जाती है, 400mm तक उसकी रेंज है, यानी कि ये एक वाइड टू टेलीफोटो लेंस है। फिर आइए बात करते हैं चौथी और आखिरी कैटेगरी टेली टू टेली लेंसेस। उसका मतलब क्या रहता है कि जहाँ पे हमारा मीडियम टेली ख़त्म होता है वहाँ से ये लेंस की जूमिंग रेंज चालू होती है और आगे बढ़ती ही जाती है जितनी रहे उतनी, 70-200। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेंस है टेलीफोटो लेंसेज की, चालू होती है 70 पे, होती है खत्म 200 पे। फिर आता है 100-400, चालू होता है 70 के आगे 100 पे और खत्म होता है 400 पे, अगेन टेली टू टेली जूम लेंस। फिर आता है 150-600mm, अगेन वो 75 के आगे चालू होता है और 600 पे ख़त्म होता है। तो ये है हमारे चार अलग अलग टाइप्स जूम लेंसेज के बारे में। दोस्तों, हम सब लोग जूम के बारे में तो जानते हैं
लेकिन ये अलग अलग चार टाइप्स के बारे में बहुत ही कम जन जानते हैं। दोस्तों, लेंसेज की ज़्यादा जूमिंग रेंज लेना एक अच्छी बात भी है और एक डिसएडवांटेज है उसका। डिसएडवांटेज यह रहता है कि आपके लेंस में जितना ज़्यादा रेंज रहेगा जूम का, उतनी आपकी इमेज क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, उतनी आपकी इमेज क्वालिटी पुअर आती है। उसकी की पॉइंट यह है कि उसका जूम जहाँ से चालू होता है मैक्सिमम उसके डबल तक उसका जूमिंग रेंज रहना चाहिए, तो वो एक कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी हमें मिलती है। 16-35, 16 का दुगना होता है 32, लेकिन लेंस का रेंज खत्म हो जाता है 35 तक, उतना ठीक है, तो वो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप 18-400 ये लेंस अगर लेना चाहते हो कि भाई एक ही लेंस से मैं वाइड एंगल भी खींच पाऊँगा और एक ही लेंस वही लेंस से मैं वाइल्ड लाइफ के मैं क्लोजअप्स भी ले पाऊँगा, तो वो आपको इमेज क्वालिटी उसमें पुअर मिलेगी। हाँ, इमेजेस आपको मिलेंगे, शार्प मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो कम रहेगी कंपेयर टू द छोटे रेंज का लेंस। सो ये एक टिप है कि जब भी आप लेंस खरीद रहोगे तो पॉसिबल हो तो मिनिमम जूमिंग का लेंस खरीदो, ज़्यादा रेंज के लेंसेस में इन्वेस्ट मत करो, आपकी इमेज क्वालिटी है वो पुअर होती जाएगी। जितना रेंज आपका ज़्यादा रहेगा, जूम के स्टार्ट से लेके एंड तक का जितना ज़्यादा रेंज रहेगा उतनी आपकी इमेज क्वालिटी पुअर होती जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस कीजिए, और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब पे बटन कीजिए। थैंक यू सो मच।